मध्य प्रदेश के तीन बड़े शहरों में शनिवार रविवार का नाइट कर्फ्यू फिर से लौट आया है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना की वजह से पहली बार जब लॉकडाउन लगा था उसे आज पूरा एक साल हो गया है, लेकिन इस एक साल में क्या कुछ बदला, जब हम इसकी तह में जाएं तो पाएंगे कि एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आना तो शुरू हुई लेकिन खतरा पूरी तरीके से नहीं टला। लॉकडाउन के समय जो तस्वीरें दिखती थी कमोबेश वही तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब हर रविवार को दिख रही है, एक साल पूरा हो जाने के बाद भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस तरीके से बैरिकेड एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं और हर रविवार को सड़कों पर सन्नाटा रहता है, क्योंकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर, यहां पर संडे लॉकडाउन का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन अन्य शहरों में भी जा सकता है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जिंदगी जो पटरी पर आ रही है, यातायात एक बार फिर से सामान्य हो गया है, काम धंधे फिर से शुरू हो चुके हैं, उद्योग एक बार फिर से शुरू हो करके अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें सब लग चुके हैं। लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो है कोरोना की बढ़ती रफ्तार। कोरोना लगभग ये मान के चलिए वैक्सीन के बाद ये लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी पहली बरसी पर, सालगिरह पर कोरोना एक बार फिर से मुंह बाए खड़ा है। सरकारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस कोरोना से कैसे निपटे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीते 24 घंटों में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये तीन शहर हैं जहाँ की पूरे मध्य प्रदेश का कुल 70% नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर 6.2 तक पहुंच गया है। सरकार का ये मानना है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है आने वाले दिनों में उसे और सख्ती करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर कोरोना का ये जो खतरा आज से एक साल पहले या अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं बदला है। लोगों ने जरूर ये समझ लिया था कि कोरोना चला गया हो, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से वापस आकर के दिखा दिया है कि अभी और सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।